हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का एक जो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज सिमिलैरिटी, उससे रिलेटेड एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम। ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है। राइट द बीपीटी दैट इज थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो ये थ्योरम आपको क्या है, किस तरह से है, वो सब चीजें आज हम लोग देखेंगे, डिटेलिंग करेंगे कि थ्योरम किस तरह से लिखा जाता है। नॉर्मली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, थ्योरम बायट कर लेते हैं, और फिर बायट करने से ऑब्वियसली ये मैथमेटिक्स से बायट करके जाओगे तो अगर एक स्टेप भी इधर का उधर हो गया तो पूरा का पूरा सम या पूरा का पूरा अगर थ्योरम भी करके जा रहे हो तो वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं, वो फॉलो कर दो जिससे आपको ये जो थ्योरम से इजिली आपको दिमाग में आ जाएगी और आप लोग इजिली इसको लिख सकते हो। ओके, तो देख लेते अपना थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है या कौन सा भी थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा रहेगा, तो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। ओके, आपका जो थ्योरम का स्टेटमेंट है बराबर, वो इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, खाली इतना ही पूछा जाता है राइट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करने का है। ओके, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा एंड फाइनली प्रूफ लिखना पड़ेगा। या कभी कभी आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया तो नो प्रॉब्लम, आप लोग यहां से स्टार्ट करोगे गिवन से वगैरह, क्लियर, वहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेटमेंट नहीं दिया तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, क्लियर। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि स्टेटमेंट से आप लोग को मोस्ट ऑफ द थ्योरम का पता चलता है, इसके लिए स्टेटमेंट याद रहना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या है और उससे रिलेटेड हम लोग क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्टेटमेंट का जो आपका वर्डिंग रहेगा उससे रिलेटेड हम लोग कहां तक पहुंच सकते हैं वो देख लेते हैं। तो चलो अपना स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, पहला वाला लाइन मैं खाली पढ़ रहा हूं, एक ट्राइंगल है उसमें एक लाइन ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है। जैसे कि यहां पे आप लोग डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड ये सी। इसमें एक मैंने लाइन बनाया है, लाइन दिख रहा है आपको ये वाला, दैट इज लाइन एल। लाइन एल इज पैरेलल टू द साइड ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज साइड बी सी, बराबर यही कह रहे हैं, अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, ये लाइन ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है, क्लियर। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अभी रिमेनिंग दो साइड अभी इसको पैरेलल है दैट इज बीसी को पैरेलल है, तो अभी बचे हुए दो साइड कौन से है, एक है ए बी एंड एक है ए सी, बराबर, उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ए बी को कहां पे कर रही है, वो पी में, और ए सी को कहां पे कर रही है, क्यू में कर रही है, क्लियर, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स, ओके, ये साइड को डिवाइड किया ना लाइन ने, एपी और पीबी एंड एक्यू एंड क्यूसी इन सेम प्रपोर्शन, दैट मीन्स एपी अपॉन पीबी एंड एक्यू अपॉन क्यूसी, इसका प्रपोर्शन सेम रहेगा, इसका प्रपोर्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट से मैंने डायग्राम तो बना दिया, समझ में आया, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया बराबर, उसमें एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया दैट इज एल, पैरेलल टू साइड बीसी बोल दिया ट्राइंगल में, और आगे क्या है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग साइड कौन है, ए बी एंड ए सी, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी एंड क्यू में, बराबर, तो क्या होता है, उनको प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया दैट इज एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यू सी रहेगा। अभी इससे ही रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, दो चीजें और निकालेंगे दैट इज गिवन एंड टू प्रूव, इससे ही रिलेटेड है, देखेंगे। जैसे कि हम लोग यहां पे देख रहे हैं ट्राइंगल का नाम हम लोग ने क्या रखा है, एबीसी, तो मैंने पहला स्टेटमेंट वही कर दिया, ट्राइंगल एबीसी, ओके, अ लाइन पैरेलल टू द साइड, लाइन कौन सी है, एल, कौन सा साइड को पैरेलल है, बीसी, तो देखो लाइन पैरेलल, लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, क्लियर, समझ में आया। दे इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, ओके, लाइन एल इंटरसेक्ट रिमेनिंग साइड कौन, ए बी एंड ए सी, देखो वही आ रहा है, लाइन एल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग साइड ए बी एंड ए सी इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन पॉइंट पॉइंट कौन से है, पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, क्लियर। तो देखो गिवन हम लोग का हो गया, इन अ ट्राइंगल ए बी सी बराबर लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बी सी एंड लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो देखो गिवन हम लोग ने ये स्टेटमेंट से ही निकाल दिया, ओके, यहां तक हम लोग पहुंच गए इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तक, यहां तक हम लोग ने गिवन लिख दिया है। देन द लाइंस डिवाइड्स, देन द लाइंस डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रपोर्शन, उस साइड को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है दैट इज एपी और पीबी इसका प्रपोर्शन और एक्यू और क्यूसी इसका प्रपोर्शन सेम होगा, दैट मीन्स कैसा होगा, इक्वल होगा, क्लियर। तो देखो स्टेटमेंट से हम लोग ने तीन चीजें यहां पे निकाल दी, स्टेटमेंट से हम लोग ने डायग्राम निकाल दिया, स्टेटमेंट से हम लोग ने गिवन निकाल दिया, स्टेटमेंट से हम लोग ने
टू प्रूव निकाल दिया। ओके स्टेटमेंट से ही हम लोग क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्शन भी। ये वाले डायग्राम में मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स डॉट डॉट से कुछ लाइन ज्वाइन कर दिए, दैट इज सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बीक्यू मैंने ज्वाइन कर दिया, वही मेरा कंस्ट्रक्शन रहेगा क्योंकि ये डायग्राम में नहीं था। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो कुछ चीजें हम लोग डायग्राम में चेंजेस करते हैं वो नॉर्मली थ्योरम में हम लोग कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं। क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन में आ गया, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बीक्यू। यहां तक क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग ने अपना मेजर पार्ट देख लिया है, क्या क्या डायग्राम गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। ओके यहां तक भी आप लोग करोगे तो आप हाफ करके आपको दो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ओके अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली पार्ट, दैट इज प्रूफ। ओके प्रूफ में आपको क्या करने का वो पहले बता देता हूं। सिंपल है, यहां पे आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे ये बताइए। ओके यहां पे आपको तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, अगर आप लोग देखोगे तो ये ऊपर वाला ये ट्रायंगल दिख रहा है, दैट इज ए पी क्यू। क्लियर? देन यहां पे दूसरा ट्रायंगल निकालता हूं, कुछ इस तरह से दिख रहा है पी क्यू बी। ओके एंड तीसरा ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे है पी क्यू एंड सी। क्लियर? आप लोग देख सकते हो आपको यहां पे तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, यहां पे पहला ट्रायंगल है ए पी क्यू, दूसरा है पी बी क्यू और तीसरा है पी क्यू सी। ओके ये जो तीन ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं तीनों का हम लोग एक एक के साथ क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। मतलब किसका? ए पी क्यू का। किसका? एपी क्यू का। पीबी क्यू के साथ एक बार निकालेंगे, देन एपी क्यू का ही, एपी क्यू का ही पी क्यू सी के साथ एक बार निकालेंगे एंड देन इन दोनों का एक साथ निकालेंगे। ये तीन रेशो हम लोग निकालेंगे। समझ गया मैंने क्या बोला? सिंपली यहां पे तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, तीनों का एक दूसरे के साथ रेशो निकालेंगे। पहला ट्रायंगल है एपी क्यू, उसका एक बार पी बी क्यू के साथ करेंगे एंड देन दूसरा एपी क्यू का पी क्यू सी के साथ करेंगे एंड लास्ट में पी क्यू बी एंड पी क्यू सी का करेंगे। समझ में आया? तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं। पहला हम लोग ने किसका बोला? एपी क्यू एंड पी क्यू सी। देखो कहां पे ट्राइंगल एपी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी, सॉरी पहला बी है इक्वल हाइट्स। उन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या कहा कि ये जो ट्राइंगल है एपी क्यू एंड पी क्यू बी इनका हाइट कैसा है? इक्वल है। हाइट कैसा है? इक्वल। यहां पे हाइट हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, दैट इज पी क्यू को, और हाइट अगर आप लोग देखोगे तो उनका जो एंड पॉइंट है वो सेम है, दैट इज क्यू। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? इनका हाइट कैसा है? इक्वल है। हाइट कैसा है? इक्वल। और आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल का हाइट इक्वल रहा, अगर दो ट्राइंगल का हाइट इक्वल रहा तो उनके एरिया का रेशियो, उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग किसके प्रपोर्शन में रहता है? बेस के प्रपोर्शन में रहता है। किसके प्रपोर्शन में रहता है? बेस। अभी यहां इसका बेस क्या है? एपी। और इसका बेस क्या है? पीबी। इसका बेस क्या है? एबी। और इसका बेस क्या है? पीबी। समझ में आया? तो यहां पे हम लोग का क्या आ गया? एपी अपॉन पीबी। क्या आ गया? एपी अपॉन पीबी। समझ में आया सबको यहां तक? क्लियर? हम लोग ने कौन सा ट्राइंगल लिखा? एपी क्यू एंड पी क्यू बी। समझ में आया? अपना पहला जोड़ी हो गया। अभी दूसरा जोड़ी फर्स्ट एंड थर्ड का, फर्स्ट और सेकंड हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड कौन? एपी क्यू एंड पी क्यू सी। तो देखो यहां पे हम लोग ने लिखा एपी क्यू एंड पी क्यू सी, इसका भी सेम उल्टा पकड़ेंगे तो ये हाइट पकड़ेंगे, तो इसका भी हाइट कैसा है? इक्वल। इसका भी हाइट कैसा है? इक्वल। क्लियर? अभी इनका रेशियो निकालेंगे, अगेन हाइट इक्वल, तो किसके प्रपोर्शन में? बेस के। बेस इसका कौन है? ए क्यू। इसका कौन है? क्यू सी। ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके एरिया प्रोपोर्शनेटेड टू बेस। क्लियर? समझ में आया सबको? इसको इक्वेशन नंबर और इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया है। मैंने क्या किया? पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, एपी क्यू का पी क्यू डी के साथ कर दिया, देन एपी क्यू का तीसरा पी क्यू सी। फर्स्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट थर्ड हो गया, अभी बचा कौन? यस सेकंड थर्ड। सेकंड थर्ड मतलब इसके बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो दो ट्रायंगल, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में, किसके बीच में है? पैरेलल लाइन के बीच में। तो पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका हाइट कैसा रहता है? सेम रहता है। ये हम लोग ने सीखा है, दो अगर पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका हाइट सेम है और उनका कॉमन बेस है। देखो दोनों का बेस कौन है? पी क्यू। दोनों का भी बेस कौन है? पी क्यू। ये वाले ट्रायंगल का भी पी क्यू, यहाँ पे देखो ना सेपरेटली कर दिया तो आपको समझ में आ रहा है पी क्यू बी, इसमें भी पी क्यू आ रहा है, पी क्यू सी इसमें भी क्या आ रहा है? पी क्यू। तो दोनों का क्या सेम है? बेस सेम है। ओके तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बेस भी सेम है, ओके एंड हाइट भी सेम है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता है? अगर ट्रायंगल का बेस और हाइट सेम रहेगा तो ट्रायंगल का एरिया भी कैसा रहता है? सेम रहता है। तो यहां पे वही स्टेटमेंट कर रहे हैं, सेगमेंट पी क्यू इज द कॉमन बेस। जैसे अभी मैंने बताया ये डायग्राम में आपको दिख रहा है पी क्यू, ये कॉमन बेस है दोनों ट्राइंगल का, दैट इज पी क्यू बी एंड पी क्यू सी। देखो हम लोग का सेकंड एंड थर्ड ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देन आगे बोला है कि ये लाइन पैरेलल है, ये तो हम लोग को पता है पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये तो आपको गिवन में ही था।
क्लियर। तो क्या होगा, इनका हाइट भी कैसा होगा, इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट रहता है वो इक्वल रहता है, ये हम लोग ने देखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का एरिया कैसा हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो हम लोग ने तीन ट्रायंगल का रेशियो निकाल लिया है, एपीक्यू पीक्यू बी, देन एपीक्यू पीक्यू सी। नंबरिंग करोगे इजीली समझेगा, पीक्यू बी एंड पीक्यू सी। ओके, अभी देखते हैं, हम लोग का तीन ट्रायंगल का हो गया है। अभी हम लोग को क्या करने का है, तीनों ट्रायंगल का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, क्या दिख रहा है। अगर आप लोग इक्वेशन नंबर वन और टू को देखोगे, वन और टू का न्यूमरेटर आपको सेम दिख रहा है, दिख रहा है सेम ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन, सॉरी यहाँ पे क्यू है न्यूमरेटर में और यहाँ पे भी क्या है एपीक्यू, सेम दिख रहा है आपको। क्लियर, इसका डिनोमिनेटर देखते हैं क्या है, पीक्यू बी। इसका डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, पीक्यू सी। यहाँ पे डिनोमिनेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, पीक्यू बी एंड पीक्यू सी। ओके, बट स्टेटमेंट नंबर थ्री कह रहा है कि पीक्यू बी एंड पीक्यू सी सेम है। क्लियर, स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या कह रहा है, पीक्यू बी एंड पीक्यू सी कैसा है, सेम है, बराबर। यहाँ पे आपको ऊपर न्यूमरेटर सेम दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी सेम है, ये स्टेटमेंट नंबर थ्री कह रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन नंबर वन टू और थ्री को कंबाइन करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एरिया और ये एरिया का रेशियो कैसा आएगा, सेम आएगा, बोल सकते हैं। क्लियर, यस और नो? ओके, यस कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप लोग, अगेन बताता हूं, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, एपीक्यू एपीक्यू। क्लियर, डिनोमिनेटर यहां पे दिखते वक्त अलग दिख रहा है, दैट इज पीक्यू बी एंड पीक्यू सी, एरिया ऑफ पीक्यू बी, एरिया ऑफ पीक्यू सी, बट एरिया ऑफ पीक्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीक्यू सी। ओके, इन दोनों का एरिया कैसा है, सेम है। अगर दोनों का एरिया सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशियो और ये रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री। क्लियर याद है, तो ये भी हो गया अपना। अभी लास्ट में हम लोग करेंगे, अगर ये दोनों का रेशियो एरिया का सेम है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा तो राइट हैंड साइड ऑब्वियसली सेम होगा। क्लियर, तो देखो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। ओके, फ्रॉम वन एंड टू बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने वन और टू में जो दिया है उनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बोल दिया ये वाले पार्ट में। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी भी इक्वेशन का सेम रहेगा तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली सेम होता है, दैट मीन्स एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यू सी। और यही आपका फाइनल स्टेटमेंट था जो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यहाँ पे था। ओके, जो आपको प्रूफ करने का था। तो इस तरह से हम लोग ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कर दिया है। ओके, आपको क्या याद रखने का है, तो ये स्टेटमेंट याद रखने का, स्टेटमेंट से आप लोग को डायग्राम पता चल जाएगा, डायग्राम से आपको गिवन पता चल जाएगा, टू प्रूफ पता चल जाएगा, कंस्ट्रक्शन पता चल जाएगा। ओके, एंड देन वन टू थ्री, थ्री ट्रायंगल को अलग अलग ले लो एंड हर एक का रेशियो, फर्स्ट सेकेंड का, फर्स्ट थर्ड का एंड सेकेंड थर्ड का, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड थर्ड। ओके, इनका रेशियो निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है और किस तरह से, और इस तरह से आप लोग अपना थ्योरम प्रूव कर सकते हो। क्लियर, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।